दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप अपना जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट केंद्र सरकार वाला कैसे बनवाएंगे। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के अंतर्गत कौन आएंगे, तो देखिए जिनका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है वो जो है एनसीएल नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए इलिजिबल है। जिनका फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है वो एनसीएल के लिए इलिजिबल नहीं है। आप सबको पता है अगर हम बात करें केंद्र सरकार वाली जॉब जैसे कि रेलवे हो गया या आरपीएफ में जो वैकेंसी आ रही है उसके वैकेंसी में आप जो है लगा सकते हैं, या और भी जो एसएससी के द्वारा एग्जाम चलते हैं उसमें भी ये मांगा जाता है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो है एनसीएल प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं एज अ जाति सर्टिफिकेट के तौर पर। तो इसके लिए कैसे आपको बनाना है केंद्र लेवल वाला हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे। जब आपका बन जाएगा तो आप उसको कैसे डाउनलोड करेंगे घर बैठे ही, कहीं आपको ब्लॉक का चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है ना, इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। और यहाँ पे आने के बाद से सबसे पहले क्या करना है आपको जो है यहाँ पे देखिए सामान्य प्रशासन विभाग का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन मिलता है नॉन क्रिमिनल लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ, यानी केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एक और ऑप्शन आता है देखिए बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। अगर आप बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ में अगर आप बनवाते हैं तो ये सिर्फ जो है बिहार में जितनी वैकेंसी आती है ना वहां पे काम करेगा। अगर आप केंद्र सरकार वाला बनवाते हैं तो केंद्र सरकार वाला जो है ना केंद्र लेवल की जितनी वैकेंसी आती है वो सब में लग जाएगा। एक चीज का विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पे एक आपको जो है शपथ पत्र भी अपलोड करना होता है। वो शपथ पत्र कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आएंगे स्वयं सहायता अनुभव पे आएंगे, यहाँ देखिए महत्वपूर्ण डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे प्लस इस तरह से बना है महत्वपूर्ण डाउनलोड, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए दो फॉर्म मिलते हैं, एक मिलता है फॉर्म 8 आवेदक का स्वयं शपथ पत्र, एक मिलता है फॉर्म 11। तो आप फॉर्म 8 डाउनलोड करेंगे ना तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म 8 किसके लिए, तो भारत सरकार के प्रयोजनार्थ। वही अगर हम बात करें फॉर्म 11 तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये किसके लिए है, तो ये बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ वाला फॉर्म है। तो अगर आप बिहार सरकार वाला यहाँ पे आवेदन करेंगे बिहार सरकार प्रयोजनार्थ वाला, तो उसमें आपको जो है फॉर्म 11 देना होगा, जो कि मैंने आपको दिखाई है फॉर्म 11, यहाँ लिखा भी रहता है बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ। अगर आप केंद्र सरकार के लिए अगर आप आवेदन देते हैं यहाँ पे तो इसके लिए आपको जो है फॉर्म 8 ये आपको प्रिंट आउट निकाल के और यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने जो है पिताजी का नाम लिख देंगे, यहाँ गाँव पोस्ट ऑफिस थाना प्रखंड अनुमंडल जिला राज्य ये आपको जो है यहाँ पे भर देना है और यहाँ पे मैं इस जाति से अपना जाति का नाम लिख देंगे, संबंध रखता हूँ या रखती हूँ और जो है इस नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दे रही हूँ। आपके पिता का कोई वार्षिक आय है तो आप शब्दों में बताएंगे यहाँ पे, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा। और अन्य स्रोत से कोई प्रोफेशन सहित कोई आपका जो है इनकम है तो यहाँ पे इनकम आपको शब्दों में लिख देना है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। और यहाँ पे स्थान और दिनांक यहाँ पे हस्ताक्षर करके आप इसका जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे, आगे हम बताएंगे कहाँ पे अपलोड करना है, तो इस चीज को आपको जो यहाँ पे अपलोड भी करना होगा। तो ये आप जरूर फॉर्म 8 जो है आप जो है क्या करेंगे प्रिंट आउट करके भर लेंगे और उसको स्कैन करके आपको आगे अपलोड करना है। तो चलिए हम एक जो है आपको केंद्र सरकार वाला अप्लाई करके दिखाते हैं, आप क्लिक करेंगे अंचल स्तर, आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पे खुलेगा और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, समझ लीजिएगा। अगर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप अगर आप आवेदन कर देना कभी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इजिली आपका बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ सबसे ऊपर में देख लेना है भारत सरकार के प्रयोजनार्थ, अब यहाँ पे आपको जो है प्रमाण पत्र आप किस लैंग्वेज में लेना चाहते हैं, हिंदी में लेना चाहते हैं कि अंग्रेजी में लेना चाहते हैं, कई कई वैकेंसी में मांग देता है कि आपको इंग्लिश में ही सिर्फ चाहिए हिंदी में नहीं चाहिए, तो अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी में आपका सर्टिफिकेट बन के डाउनलोड होगा, अंग्रेजी चूज करें तो अंग्रेजी में आपका बन के डाउनलोड होगा। तो आप देख लीजिएगा आपका कौन सा लगता है। यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे, यहाँ स्त्री या कोई अभिवादन नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग चुनाव कर सकते हैं अभिवादन में। एक चीज विशेष ध्यान देंगे, ये जो भी सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं ओबीसी नॉन क्रिमिनल, ये बनवाने से पहले आपको जो अपना जाति निवास आय ये तीनों जो है ऑलरेडी बना होना चाहिए, भले वो आपका जो है नॉर्मल बनता हो जैसे कि जिस तरह से आप बनवाए हैं वैसे वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप ब्लॉक से जाके बनवाए हैं, सब तो ब्लॉक ही से बनता है लेकिन नॉर्मल वाला जो होता है जाति निवास, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जाति निवास अंचल स्तर वाला, ये आपको पहले से बना होना चाहिए तभी आप ये फॉर्म भरिएगा तो इजिली आपका बन जाएगा, क्योंकि आगे जब आप जाएंगे ना अपलोड करने तो यहाँ पे आपको देखिए आएगा जाति निवास आय, देख रहे ना जाति निवास आय, ये आपको जो है अपलोड करना होगा तो इसको आपको टिक करना है आगे। तो चलिए इसको आप भर लेते हैं फटाफट, यहाँ पे आपको जो है भरना बहुत आसान है,
अपना नाम लिखेंगे तो यहाँ हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे, या आधार संख्या आपको लिखना है, अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तभी लिखेगा वरना इसे मत लिखेगा। यहाँ पे आपको जो है अपना राज्य चूज करेंगे, लेकिन आधार कार्ड आप देंगे ना और मोबाइल से ऑथेंटिकेट होगा तो जल्दी बन जाता है, इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ राज्य आएगा, यहाँ पे जिला आपको चूज करना है, इसकी वजह से आपको जो है अनुमंडल चूज करना है, इसकी वजह से आपको ब्लॉक आएगा, ब्लॉक चूज करेंगे, विलेज लिखेंगे, वार्ड संख्या लिखेंगे, डाकघर लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, सर्किल नंबर, देखिये जो आपको पता है वही लिखिए, जो नहीं पता उसे छोड़ सकते हैं। देखिये जो जो स्टार मार्क्स लगा वो सब भरना मैंडेटरी है, बाकी अगर नहीं भरेंगे तो आगे फॉर्म बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ स्थानीय नगर निकाय का प्रकार क्या है, ग्राम पंचायत से आते हैं कि नगर निगम से आते हैं कि नगर परिषद नगर पंचायत से आते हैं, अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे, थाना वगैरह आएगा चूज करेंगे। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत का आपको नाम चूज करना है, और यहाँ पूछ रहा है कि सेम है जो अभव, मतलब आपका स्थायी पता जो है टेम्पोररी पता, ये तो परमानेंट एड्रेस पूछा आपका, यहाँ आपने भर दिया। अब यहाँ आपको जो टेम्पोररी एड्रेस पूछ रहा है, जब भी फॉर्म भरते हैं तो दो एड्रेस मांगता है, प्रेजेंट और परमानेंट, तो अपने अकॉर्डिंग आप बता देंगे, ऊपर वाला सेम है तो सेम सेम लिखेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं, इस पर टिक करेंगे ना ऊपर वाला ही सारा सारा सेम हो जाएगा। देखिए हो गया, अब यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो है अब ये जाति के बारे में पूछ रहा है, धर्म के बारे में पूछ रहे हैं, बता दीजिएगा, कैटेगरी पूछ रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग है कि क्या है, तो आपको यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग बता देना है। अब यहाँ पे जो है उपजाति आएगा, उपजाति यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो है जाति आ रहा है, ये जाति का लिस्ट है, मतलब ओबीसी में जितने जाति आते हैं वो सारा जाति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो अपना जाति यहाँ ढूंढेंगे, थोड़ा समय दीजिएगा, मिल जाएगा आपका जाति, अगर आप ओबीसी से आएंगे तो जरूर आपका जाति यहाँ मिल जाएगा और आप जो है अपने अकॉर्डिंग चुनाव कर लेंगे। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर पता लिखे वरना इसे छोड़ दीजिए। पेशा ऑक्यूपेशन, आप छात्र हैं कि सरकारी गवर्नमेंट है कि आप प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। और यहाँ पे सूची क्रमांक की संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी जब आप यहाँ पे जाति चुनाव करेंगे। तो अब यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ फादर्स नेम हिंदी में हो जाएगा, यहाँ मदर्स नेम वो भी हिंदी में हो जाएगा, यहाँ पे हस्बैंड नेम, अगर कोई लेडीज है मैरिड है तो हस्बैंड नेम भर सकती है, पति का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे ना ऑटोमेटिक हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। ईमेल आईडी यहाँ दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, अगर आप ये दोनों देते हैं तो आपके मोबाइल पे एसएमएस आता है कि बन गया, रिजेक्ट हो गया, क्या हो गया। अब यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे तो उस पे आपका जो सर्टिफिकेट ये लोग भेज देते हैं जब बन जाता है, तो यहाँ फोटो आपको जो है एक चूज कर लेना है। अब यहाँ पे अभिभावक या पिता पति की स्थिति आपको बताना है, तो आपके पिताजी अगर कोई सरकारी या किसी पद पे जो है काम कर रहे हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे, और उसके कितना सरकारी से आए हैं, कब उनकी नियुक्ति हुई थी, सब आपको अच्छे से भरना होगा। 8 लाख से इनकम कम है तो ही आपको यहाँ पे जो है ये बनवाना है, बाकी किसी को नहीं बनवाना है, समझ रहे हैं ना, ये चीज को अच्छे से भरेंगे। अगर नहीं है इस तरह के तो आप सब छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है भरना, सीधे आपको आ जाना यहाँ पे, वार्षिक आय में भरना है। आपको कोई नौकरी से आए है, अगर है तो बताइए 1 लाख है 2 लाख है जितना है, नहीं है तो जीरो कर दीजिए। व्यवसाय से कोई आया है, मतलब बिजनेस से कोई आया है, अगर है तो बताइए, हाँ 10,000 है या 12,000 है जितना भी है, ये सालाना आपको बताना है, ये नहीं कि एक महीना, नहीं साल का बताना है, पूरे फैमिली का इनकम कितना है। पेंशन से कोई आया है तो बताइए वरना इसे जीरो कर दीजिए। कृषि से आए है तो ये भी आपको यहाँ पे बताना है। और ये जो जानकारी आप लिखेंगे ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि इनकम सर्टिफिकेट पहले बनवा लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करिएगा, क्योंकि आगे अपलोड करना है, तो इनकम सर्टिफिकेट देख लेंगे कि आपने इनकम सर्टिफिकेट में क्या डाला हुआ है, कितना का आय आपने बनवाया हुआ है, वही वाली जानकारी यहाँ पे आपको भरना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भरना है, समझ रहे ना। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, अगर भरते हैं तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं करिए। क्या संपत्ति कर के अंतर्गत आप आते हैं, अगर आते हैं तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं करिए। इसके बाद से आप कुछ बातें यहाँ लिखना चाहते लिखिए वरना इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको ये स्वयं शपथ पत्र जो कि मैंने आपका था फॉर्म 8, ये आपका फॉर्म 8 है, इसको आपको साइन करके यहाँ पे अटैच करना ही करना है, और ये तीनों को आपको टिक कर देना है। आप तीनों टिक कर देंगे आगे चल के तीनों अपलोड भी करना है। अब यहाँ पे आपका जो ऑलरेडी ये आएगा ऑफिस, और यहाँ पे आपको ये लिखना है और सबमिट करना है। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करते हैं यहाँ पे आपका पेज प्रीव्यू खुलेगा, एक बार जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करेंगे कि जो भी आपका नाम डेट ऑफ बर्थ ये जो भी एड्रेस वगैरह लिखा है पंचायत वगैरह चूज किया वो सब चीज सही नहीं है, ईमेल मोबाइल सब चीज वेरीफाई करेंगे, फोटो वगैरह, और यहाँ पे सब चीज आप वेरीफाई कर लेंगे। नीचे आते हैं वेरीफाई करते हुए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अटैच एनेक्सर का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ कुछ भी गलती है तो आप एडिट का बटन मिलेगा, एडिट करिएगा। नहीं गलती है तो अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपको जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने का ऑप्शन आएगा, तो ये देखिए यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे आपको देखिए आपने जो सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट ईबीसी होंगे या तो बीसी होंगे तो आप यहाँ पे चुनाव करेंगे और उसका फाइल यहाँ अटैच कर लेंगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट है आपका 200 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ जेपीजी कोई भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको निवास पत्र यहाँ पे आपको अटैच करना है, सेम फॉर्मेट चाहिए। यहाँ पे आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट जो आपने बनाया वो आपको अटैच करना है। और इसके बाद से जो आपका फॉर्म है फॉर्म 8 स्वयं शपथ पत्र जो कि मैंने आपको बताया ना कि कहाँ से डाउनलोड करना है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना है स्वयं शपथ पत्र। देखिए ये फॉर्म 8 है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म जो है निकलेगा, इसको जो है प्रिंट आउट निकालेंगे और यहाँ भरेंगे और यहाँ पे नीचे में साइन करेंगे, स्थान मतलब गांव का नाम और यहाँ दिनांक लिख के, और उसके बाद से इसको यहाँ पे जो है
अटैच करना है। दस्तावेज आपको देना है एक आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, क्या देना है वो आप चुनाव करेंगे और उसको भी स्कैन करके यहाँ पे अटैच करेंगे। और इस सबको जो है आप चूज कर लेंगे फाइल को, उसके वजह सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। सेव एनेक्सर पे क्लिक करते ही इस तरह से आपका जो है बनेगा फॉर्म। अब यहाँ पे आपको देख लेना है कि जो भी आपने अपलोड किया सब चीज सही है। अब यहाँ सबमिट का बटन मिलेगा, आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जानकारी को वेरीफाई जरूर कर लेना इस बार भी। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। यहाँ पे लिखता है कि आपको कब ये जो है सर्टिफिकेट बना के जो है अपलोड कर दिया जाएगा या आपके ईमेल में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है कि इतने तारीख को आपको जो है डिलीवर्ड हो जाएगा। अगर आपको जल्दी में चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स, बहुत अर्जेंट है, आपके पास समय नहीं है, तो आप इसका प्रिंट आउट निकालिए, इसके साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किया वो सब फोटो कॉपी लगाइए, आधार कार्ड, जाति, निवास, आय, और अपने कर्मचारी से मिलिए या आरटीपीएस काउंटर पे जाइए, तुरंत वो लोग बना देते हैं। थोड़ा सा अर्जेंट है तो उस केस में, और नहीं तो 21 दिन वेट करिए, 21 दिन खुद ब खुद ये लोग बना के जो है आपके मेल पे भेज देते हैं। अगर आप मेल पे नहीं मिल पाता है ये डॉक्यूमेंट्स आपका, तो आप क्या करेंगे, इसी वेबसाइट से यहाँ सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ पे अपना जो है एप्लीकेशन आईडी और कब अपने फॉर्म सबमिट किया वगैरह डाल के आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आवेदन की स्थिति देखना, आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं कि आपका आवेदन कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। अगर यहाँ दिखा देता है कि हाँ मेरा आवेदन यहाँ तक प्रोसेस हो चुका है, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ रेफरेंस नंबर मिला होगा जब आप फॉर्म भरे होंगे, तो वो रेफरेंस नंबर लिखिएगा, कब आपने फॉर्म सबमिट किया था वो डेट चूज करिएगा, और यहाँ कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे तो दिखा देगा कि आप आवेदन रिजेक्ट हुआ या अंडर प्रोसेस है या बन गया, ये तीनों में से कोई स्टेटस आपका दिखाएगा। जब बन गया रहेगा तो यहीं से सर्टिफिकेट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अपना जो है आप रेफरेंस आईडी डालेंगे जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे स्लैश वगैरह सब चीज ऐड करके, और अपना नाम लिखेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो आपका दिखा देगा कि हाँ आपका बन चुका है, ये डाउनलोड भी हो जाएगा तुरंत। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो एनसीएल बनवाना होता है केंद्र सरकार वाला, वो कैसे बनता है। अगर मान लीजिए आपको जो है केंद्र सरकार वाला ही सर्टिफिकेट आपको जो है अनुमंडल स्तर से बनवाना है, तो सबसे पहले अंचल स्तर से बनवा लीजिएगा। अब आपको अनुमंडल स्तर से बनवाना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो पहले पूछेगा कि आप अपना जो है अंचल स्तर वाला बनाया हुआ सर्टिफिकेट नंबर की जानकारी दीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये पूछता है, यहाँ देखिए अंचल स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र की संख्या दीजिए और अपना नाम लिखिए, गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सारा डिटेल्स आ जाएगा। अगर आपको अनुमंडल स्तर पे लगता है तो कभी कभी मांग देता है किसी किसी वैकेंसी में कि अनुमंडल स्तर वाला ही सारा चीज चाहिए, जैसे आर्मी में मांग देता है, नेवी में मांग देता है कि अनुमंडल स्तर का सारा डॉक्यूमेंट्स बना होना चाहिए, जाति, निवास, आय, जो भी है, तो आप इस पे भी आवेदन दे सकते हैं, जिला स्तर पे भी आवेदन दे सकते हैं। तो जब जिला स्तर पे आवेदन करने जाएंगे ना, तो बोलेगा कि अनुमंडल स्तर वाला जो बना हुआ सर्टिफिकेट है उसकी संख्या दर्ज करिए। तो एक दूसरे सब कनेक्टेड, देखिए राजस्व अंचल या अनुमंडल अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र की संख्या लिखिए और अपना नाम लिखेंगे, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका वहां पे अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। समझ रहे ना, तो ये इसका प्रोसेस होता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझे होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैंने सबके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आवासीय प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करेंगे, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बिहार सरकार वाला और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट केंद्र सरकार वाला, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, ये सबका मैंने एक जो है अलग से वीडियो सबका लिए बनाया हुआ है, सेपरेट सेपरेट वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा या प्लेलिस्ट जाके मेरा चेक करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।